नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। शेजहां थाना कोतवाली स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने एक शातिर चोर व दो सह अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें, कब्जे से चोरी का सोना कीमत लगभग 25 लाख बरामद किए हैं। बता दें, डॉक्टर अजय पार पुलिस अधीक्षक जौनपुर के द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी के राकत के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली स्वाट एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो शातिर चोरों को चोरी के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है। दिनांक 10/7/2024 को आदर्श बैंकर्स पुत्र अशोक बैंकर्स निवासी शकरमंडी सुल्तानपुर हाय थाना कोतवाली जौनपुर की ओलंदगंज थाना कोतवाली जौनपुर में स्थित दुकान पर काम करने वाला अर्जुन यादव अपने मालिक आदर्श बैकर्स के सोने के जेवरात को लेकर फरार हो गया था, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 275/2024 धारा 316(2)(BNS) पंजीकृत कर अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। आज दिनांक 30/7/2024 को अर्जुन यादव अपने रिश्तेदार अनिल यादव पुत्र लालजी यादव निवासी नदिया पार थाना सरायख्वाजा जौनपुर के साथ सोने को कहीं बेचने के लिए जा रहा था कि सर्विलांस स्वास्थ्य टीम के सहयोग से अभियुक्तों को रेलवे माल गोदाम भंडारी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनके कब्जे से चोरी किए गए संपूर्ण धन 318.550 यानी कि 550 ग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। आवश्यक विधि कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या जानकारी दी है, आप सुनिए। आदर्श बैंकर्स की बॉम्बे ज्वेलर्स के नाम से दुकान है, इनके द्वारा अन्य दुकानों से ज्वेलरी का सामान मंगा कर बिक्री की जाती है। इनकी दुकान पर अर्जुन यादव नौकरी करता था, इससे आदर्श बैंकर्स वालों ने अपना सोना अन्य सुनारों की दुकानों पर वापस करने के लिए भेजा था, परंतु अर्जुन यादव आदर्श बैंकर्स की मोटरसाइकिल से जो सामान अन्य ज्वेलर्स के यहाँ पहुँचाना था वहाँ ना पहुँचा करके चोरी की नीयत से लेकर फरार हो गया। इस संबंध में थाना कोतवाली में आदर्श बैंकर्स वालों की तरफ से तहरीर लेकर के 10 जुलाई को क्राइम नंबर 275/24 अंतर्गत धारा 316(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया गया। सर्विलांस व स्वाट टीम तथा थाना कोतवाली की टीम के संयुक्त प्रयास से माल सहित इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अर्जुन यादव के साथ दो सह अभियुक्त और पाए गए हैं, जो एक इसका रिश्तेदार अनिल यादव है, दूसरा वीरेंद्र कुमार है, को अरेस्ट किया गया है। इनके कब्जे से जो सामान गया था उसकी पहचान वादी के द्वारा की गई है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है।